नमस्कार, मैं जून मैसी, आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आपका, आप लोगों को मुझे थैंक्स भी बोलना है क्योंकि आपने मेरी भावनाओं को समझा और मेरी लैंग्वेज की तरफ ध्यान नहीं देके मेरे कामों में आप लोगों ने ध्यान दिया, इसलिए आप सब दर्शकों को मेरी तरफ से धन्यवाद। आज हम आए हैं दरियागंज, और दरियागंज में ये पता करने की कोशिश करेंगे हम लोगों से कि दरियागंज की जो जनता है वो लोग किसको चाहते हैं अगला मुख्यमंत्री के रूप से, यानी कि दिल्ली का CM कौन बनेगा। हम लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनका राय क्या है। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से? नहीं, इनको नहीं पता। हम आपसे जानेंगे, आप लोग कहाँ से हैं अंकल जी? नहीं, आप उनसे पूछे। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं जी। दिल्ली से है। सर, किसका सरकार बनाना चाहते हैं? रोटी कौन देगा उसकी सरकार बन जाएगी। रोजगार देंगे? हाँ, रोजी रोज हमको रोटी रोटी देगा उसकी सरकार बनेगी। ठीक है, जो रोजगार देंगे उन्हीं का ही सरकार बने। आप कहाँ से हैं? मतलब क्या हो रहा है? हम ये जानना चाहते हैं सर, दिल्ली में किसका सरकार चाहते हैं, कौन बनेगा अगला CM? हमें शायद सरकारी खत्म हो जाए। अच्छा, सरकारी खत्म हो जाए। क्यों सर, ऐसा क्यों लगता है कि सरकार खत्म हो जाना चाहिए? अब इतने लोग बेरोजगार फिर रहे हैं। अच्छा, बेरोजगार हो रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे सरकार? नहीं दे तो रही, लेकिन हमें नौकरी वोकरी नहीं मिल रही, हम परेशान फिर रहे हैं। हमें नौकरी दिला दो। अच्छा, नौकरी नहीं मिल रहा है। कहाँ, दिल्ली से कौन से एरिया में रहते हैं? सीमापुरी में रहते हैं। अभी आपको कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो केंद्र में जो सरकार है, BJP सरकार जब आए थे तो नौकरी देने का वादा किया था। दिलवा दो, हमें तो मिली नहीं अभी तक। अच्छा, इनको नहीं मिला। इनका कहना है कि दिलवा दो, हमें तो नहीं मिला। आप कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से है। किसका सरकार बनाएं, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? ये तो मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब अच्छा काम कर रहे हैं, यही बनेंगे। अच्छा, यही बनेगा आपका कहना है। आप सर? नहीं बनेगा केजरीवाल। क्यों बनेगा? काम अच्छा कर रहा है। काम अच्छा कर रहा है तो क्या आपके लिए क्या अच्छा हुआ है? आप लोग, हमारे लिए मोहल्ला क्लिनिक खुल गई, यहाँ बहुत काम हो गए हैं, बहुत काम कर भी रहे हैं। अभी लेडीज फ्री हो गई है बसों में, तो ये और क्या क्या चाहिए। अच्छा, साफ सफाई अच्छी चल रही है, साफ सफाई, रोड अच्छे बन रहे हैं मेल लगे। बहुत सारी जगह पे तो बहुत ज्यादा गंदगी भी है, अब वो देखो रोज होती रहती है, रोज उठती रहती है। अभी तो करने वालों को चाहिए कि क्यों गिरते हैं इसी जगह। अच्छा, इनका कहना है कि केजरीवाल जी का ही सरकार बनाना चाहते हैं। आप कहाँ से है भैया? मुझे फनागर से। मुझे फनागर यूपी से है। हाँ, यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं? नहीं, काम पाए हुए हैं। काम क्या? काम यहाँ पर ही करते हैं दिल्ली में? हाँ, कितना टाइम हो गया? होगा एक साल हो गया। तो दिल्ली के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? हमारे लिए अच्छा ही है। अच्छा ही है? क्या अच्छा हुआ आपके लिए? अच्छा, अपना काम लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, काम लग रहा है, इसीलिए इनका कहना है कि काम अच्छा हो रहा है। आप सर, आप दिल्ली का ही लग रहे हैं। हाँ जी। किसका सरकार बनाना चाहते हैं, कौन बनेगा अगला CM? बहुत, किसका पता है, ऊपर वाले को पता नहीं, हमको ऊपर वाले को पता है। हाँ। आप तो यहाँ धरती में रहते हैं सर, तो आप तो यहाँ पर ही रहते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली का सरकार बना, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिए हैं। ये संपूर्ण राज्य का दर्जा दिलाओ ना, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाओ, दिल्ली पेरिस बन जाएगी। काम करने वाला बंदा है, पब्लिक में रहने वाला बंदा है, जुड़ने वाला बंदा है। हाँ, तो संपूर्ण राज्य के लिए आप भी कोशिश करें। अच्छा, संपूर्ण राज्य चाहते हैं? हाँ, इसको बनवाओ दिल्ली को। ठीक है, ठीक है, ये बात आगे जरूर पहुंचाएंगे। आप सर? हाँ, हम यहाँ पर बस स्टैंड में तमाम लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। आप लोग कहाँ से है सर, बोलना चाहेंगे? नहीं बोलना चाहते। आप सर, फोन में है आप? दिल्ली से है जी। दिल्ली से। किसका सरकार बनाना चाहते हैं दिल्ली में? यहाँ सरकार तो जैसे काम हो रहा है उसके अंदर केजरीवाल की सरकार चाहते हैं। अच्छा, केजरीवाल का सरकार चाहते हैं, मुख्यमंत्री केजरीवाल ही रहेंगे? जी 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 जी। ठीक है, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से? नहीं सर, देखिए सब लोग बराबर है ऐसा नहीं है, क्योंकि एक वोट से ही सरकार बनते हैं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब बराबर है। सर, आप बताइए किसका सरकार बनाना चाहते हैं? हाँ जी, ये दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं इस टाइम दिल्ली के, केजरीवाल जी, उनको ही बनाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को वो काफ़ी सहूलत दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। काम आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली का हूँ, पैदाश मेरी दिल्ली की है। अच्छा। हाँ जी, मैं यहाँ तुर्कमान गेट ही रहता हूँ, दरियागंज तुर्कमान गेट। अच्छा, आप इधर ही रहते हैं? हाँ, यही। हाँ, मेरी 80 साल की उम्र है, ऐसी बात नहीं है। 1941 में पैदा हुआ था मैं। आप
काफी उम्र है, आपको काफी एक्सपीरियंस भी है, आप मुझे एक सवालों का जवाब दीजिए। राजनीतिक पार्टी बातें बहुत करते हैं, हाँ, बातों में ध्यान देना चाहिए, कामों में ध्यान देना चाहिए, काम कुछ होता है ये नहीं होता, सिर्फ बातें ही बातें करते हैं। पब्लिक को किस में ध्यान देना चाहिए, पब्लिक वोट देने से पहले क्या देखना चाहिए? पब्लिक को ये देगा, काम देखना चाहती है भाई, काम जैसे मिल रही। अब ये फ्री में आप महिलाओं को जो दिया है, ये कुछ ना कुछ महिलाओं का बिजली का उसमें सारी चीज में वो कर रहे हैं, वो और कोई पार्टी ऐसे कर नहीं पाई थी है तो सभी। अब बस के अंदर एक वो चौकीदार भी लगा दिया कि बस लेडीजों को छेड़े ना कोई, और सारी सुविधाएं मिल रही है आपको, घर बैठे सब कुछ मिल रहा है। कहने का मतलब है कि कामों में ध्यान देना, हाँ कामों में ध्यान देना चाहिए, काम जैसे आप काम कर रहे हैं ऐसे ही होना चाहिए। ये नहीं जैसे LG आए थे, उन्होंने केजरीवाल को ये काम करने से मना कर दिया, ये करो मेयर से पूछो, तो ये क्या जब दिल्ली का मुख्यमंत्री है तो अभी काम हो रहा है, उससे पहले इतना काम क्यों नहीं हो रहा? हाँ पहले वो लोग ऐसी बात है, हाँ उनके उसमें भी हुआ, लेकिन करने वाले में जो गवर्नमेंट अच्छी है जो ये अब क्यों महिलाओं को या और पब्लिक के लिए सोचती है वो ये काम। अच्छा पब्लिक के लिए मेरी समझ से तो कोई बढ़िया काम किया नहीं है इसने, मोदी को ही आना चाहिए, मोदी ने देश की PM है, मोदी की पार्टी को ही CM बनना, बीजेपी का सरकार, बीजेपी की सरकार बना, मोदी बने नहीं, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का हुआ मिले तभी काम चलेगा, वरना अलग अलग होंगे तो ये 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, एक भी बस नहीं पड़ी। अच्छा आपने बोला अलग अलग बसें छोड़ी है अभी नहीं, क्यों टीवी पे रोज किसी डिब्बो में जल गया हम क्या वो गिनवा दिया आप, चलिए मुझे पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी, पाकिस्तान अब हिंदुस्तान में क्यों जा, हिंदुस्तान बताइए दिल्ली में क्या किया, सब कुछ बढ़िया हिंदुस्तान की, सुनो मोदी जी ने हम तो ये कहे की पाकिस्तान पे ये बम मार के साले को खत्म ही करे, मगर ये कर देंगे पाकिस्तान की ऐसी तेजी करके ये हिंदुस्तान की पब्लिक को मार देंगे। देखो इकोनॉमी कहाँ गई मैडम, दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की में प्याज 100 रुपए किलो बिक्री, दिल्ली की बात हो रही है, जो बात करे हाँ ये मोदी जी का ये दिया तेल जाए वहाँ पहुँचा दिया, तेल कहाँ था जब कश्मीर बढ़ाई, पहले कहा इन्होंने कि हम पानी का बिल माफ करेंगे, फिर पानी के बिल बिल्कुल माफ कर दिया, हमारा माफ हुआ है, हम बिजली का बिल माफ, बिजली का 2 रुपए का, कोई राजनीति का इसको अनुभव नहीं, खाली 2 रुपए का, यही देख लो इनकी हुकूमत ये यूपी के अंदर है, साला 12 रुपए यूनिट कर दिया, काम मार दिया सालों में। बात पूछना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि सब में राज्य में केंद्र में एक ही सरकार होना चाहिए, तो बाकी राज्य में जैसे यूपी में भी बीजेपी सरकार है, अलग स्टेट में भी है, तो वहाँ पर क्या अच्छा काम हो रहा है? अच्छे काम हो रहे हैं, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई, लड़कियाँ बेधड़क घूमती हैं, जो जिस पार्टी का होता उससे करेगा, हम किसी पार्टी से करता है केजरीवाल, इसे कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, मगर इसने पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम किया, बस ये पब्लिक के लिए काम बढ़ाई, मेरा अनुभव तो बहुत है, मगर मैंने उसे बर्बाद किया, जो सियासत जानते हैं ना उसने इस मुल्क को बर्बाद किया, इसे न तो राजनीतिक अनुभव है, न कोई इसके पास राजनीतिक डिप्लोमा डिग्री है, न कभी ये MP रहा, न MLA रहा, कोई खानदानी डिग्री थी ना वही ऐसी तैसी मरा रहे हैं मैडम, डिग्री होने वाले आज जेल के अंदर क्यों है कि उनके ऊपर क्यों, उन्होंने गलत काम करे, उन्होंने गलत काम करे, कुछ लोगों ने वो जेल के अंदर जाना चाहिए। आप कैसे बोल सकते कि डिग्री वाले अच्छा कर सकते हैं? नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति बढ़िया काम करता है, जुर्म से वो जो है वो इंचार्ज होना चाहिए, इनकम टैक्स इंचार्ज था, एक भी इसने पढ़ा लिखा पूरी सियासत में नहीं है, इनकम टैक्स का भ्रष्ट घोटाला करोड़ों रुपए का इसके ऊपर है, ये करोड़ों रुपए का भ्रष्ट घोटाला करके इनकम टैक्स के पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई है तो केजरीवाल है, पूरी मोदी सरकार में नहीं है, करोड़ों का घोटाला करा इनकम टैक्स ऑफिस में, घोटाला करता केस चल रहा है, अभी चप्पल में पहना हूँ ऐसे चप्पल वो खुद पहने हुए होता है कि चप्पल पहनो फटे कपड़े पहन, इसके करोड़ों रुपए घोटाला करने से केजरीवाल अच्छा बन गया, अच्छा है, उसने ये बस लगाई है, होमवर्क बिल्कुल नहीं किया, खाली बस चल रही है, और इनको टाइमिंग जैसे ऑफिस का टाइम तुमने स्टगर किया तो दोपहर में ये प्राइवेट बस बिल्कुल नहीं मिलती, लोग परेशान रहते, उनका टाइमिंग जो स्टगर करना चाहिए था, और सबसे पहले मिनी बस ताकि मैक्सिमम लगती, ये सारी प्राइवेट बस खाली चल रही है, लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है, ये जो मैडम एक बात तो बताओ, पब्लिक को बैठना चाहिए, बढ़ाई है इसने 5 साल में 5% DDC आपने बोला बस नहीं बढ़ाया, ठीक है आपने ये आपने कहा माफ करा, फिर दोबारा बिल करोड़ों का भेज दिया, लाखों का भेजा बिल, केंद्र में क्या काम हो रहा है, केंद्र में क्या काम हो रहा है? केंद्र ने सबसे पहले बात GST लागू करके अरबों रुपया देश के पास टैक्स आया, उससे लोगों का क्या भला हुआ? 5-5 लाख रुपए का गरीबों को बीमा का कार्ड मिला,
पूरे देश में लोग किसान क्यों मर रहे हैं, बेरोजगारी बेरोजगारी क्यों है, किसान क्यों बर्बाद कर दिया मोदी ने, बिल्कुल नहीं दिया। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड दिया 5 लाख का, गलत स्टेटमेंट दे रहा है। झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं हुआ अब तक, सिर्फ झूठ बोला गया और कार्ड दिया होगा, इनका पेट भरा होगा, हेल्थ इंश्योरेंस का केजरीवाल महंगाई देखिए, आप भी देख रहे हो, आप भी परिवार हो, रसोई आप भी चलाते होंगे कि क्या भाव प्याज हो रही है, क्यों नहीं होती, नेता के हाथ में नहीं होते सर, नेता क्या कर सकता है, ये काहे के लिए नेता लोग अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं उनके हाथों में नहीं होता, तो फिर सत्ता उनके हाथों में कैसे हो सकता है, सारी चीजें उनके हाथ में, जनता ने उनको बढ़िया, जनता ने उनके हाथों में, जनता क्यों देते हैं उनको, जनता नहीं देते, जनता क्यों उनको सत्ता वोट देते हैं, वोट देके क्यों सुरक्षा करेंगे, रोजगार देंगे, हर चीज भी देखिए बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी जीरो हो गई, गुंडागर्दी ज्यादा हो गई उसका मर्डर हुआ, वो उसका था, वो जीरो है, थानेदार को मार दिया, थानेदार को मार दिया, इंस्पेक्टर को मार दिया गया है, और किसने मारा, आज केस तो अब बात होते हैं, जनरल देखिए आप कि लड़कियां वहाँ सुरक्षा महसूस कर रही हैं, आराम कर रही हैं, कोई इतना बढ़िया राज योगी का है, मैडम 10 बजे के बाद यहाँ तो निकल भी जाते हैं, वहाँ 10 बजे के बाद लेडीज घर से भी नहीं, गुंडागर्दी जीरो है यूपी में, जीरो गुंडागर्दी, मुलायम सिंह और मायावती राज पकड़ा जा रहा है, बीजेपी का लीडर ही पकड़ा जा रहा है, अब तक दिल्ली की बात करो, यूपी बीजेपी के ही लीडर आ रहे हैं, करेगा पकड़ा जाएगा बीजेपी का, आप तीन काम गिनवा दीजिए, आप तीन काम गिनवा दीजिए, आप केंद्र में तीन काम गिनवाता हूँ, गरीबों के लिए बीमा का 5 लाख का कार्ड दिया, खेती खेती वालों के लिए 6,000 रुपए साल अनाउंस किए, दिए भी खेती वालों को, किसान क्यों सुसाइड कर रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो किसान सुसाइड क्यों कर रहे हैं, किसान सुसाइड नहीं कर रहा है, वो बताएगा जिसका अपवाद तो कहीं कुछ हो रहा है, किसान बहुत खुशहाल है, फसल का पूरा खुशहाल है, तो प्रोटेस्ट क्यों लगा हो रहा है यहाँ पर, और किसान क्यों सुसाइड कर रहे हैं, तो भैया विरोधी नेता प्रोटेस्ट कराते ही रहते, जब कांग्रेस जब दौरे कांग्रेस की हुकूमत थी तब बीजेपी कराती थी, अब कांग्रेस में आप डाल दीजिए, नेताओं का काम होता है शासन सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन कराना, पैसे खर्च करके बदनाम कराना, काम सब मोदी जी का बढ़िया, हमने ये देखा है कि मीडिया को खरीद लो और फिर झूठ बोलो, बहुत झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, हम 15 लाख रुपए देंगे, हम फलाना देंगे, हम 5 लाख बीमा के देंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों से बाजी है, और सिर्फ अपने जनसंघ पार्टी, हमारे बचपन में जनसंघ पार्टी थी, ये तीन काम गिराने ना केजरीवाल के 10 गिनो, मोहल्ला क्लिनिक, बस में मैडम लेडीज फ्री, हॉस्पिटल में अगर सरकारी में जगह नहीं है तो प्राइवेट में इलाज होता है, पैसे केजरीवाल, पैसे केजरीवाल, क्लिनिक सब बर्बाद हो गए, लाइट बिल फ्री, पानी फ्री, लोगों के मकानों में मोहल्ला क्लिनिक खुलवा के अपने लोगों को, दरियागंज के अंदर इधर महल्ले में कम से कम 10 कारें खड़ी हुई होंगी जो दवाइयां बांट रही है। एक सवाल आप मुझे जवाब दीजिए, पहले बोलते थे कि एलजी काम करने नहीं दे रहे, अभी कैसे काम हो रहे हैं, वो कर रहा है अपनी बेचारा, जहाँ तक उससे लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ लड़ के कर रहा है, अच्छा लड़ लड़ के आज ऐसा तो नहीं कि चुनाव आने से पहले पहले काम हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, इससे पहले से भी चला सर, चुनाव का ऐसा चुनाव का ड्रामा है, अगर ये तो अपने कहेंगे बीजेपी, अगर ईवीएम से चुनाव ना करा के ब्लैट पेपर से चुनाव पार्टी उतना नहीं है, वो और पार्टी उतना नहीं है, वो और पार्टी उतना नहीं है कि चुनाव और मैं बताऊं, और पार्टी उतना नहीं है कि वो चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम झगड़े कराए, ये वो हुकूमत नहीं है, उसकी नजर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई 36 बिरादरी एक है, हर आदमी क्रिमिनल कम्युनल का हर आदमी सुनता है, करती है ऐसी बात है, झगड़ा कराएगा इलेक्शन से पहले, ये बैलेट पेपर होना चाहिए, जो पहले हुआ करते थे बैलेट पेपर होना चाहिए, क्यों, देखिए केजरीवाल जी के 10 काम आपके सामने मौजूद है, दिखा सकते हैं, इनसे दो जाके देख लो ना, कहीं कहाँ है, लाओ दिखाओ, बीमा दिया है, दिखा इंडिया देखिए, मोदी जी ने गरीबों के लिए 5-5 लाख रुपए का बीमा का कार्ड बनवाया, एक्सीडेंट हुआ यहाँ परसों, यहाँ लड़का सीरियस, प्राइवेट में भर्ती कराया, गरीब किसान 1.5 लाख उनका 6,000 रुपए साल दिया, प्राइवेट ने बताया, केजरीवाल जी ने तुरंत उसको दी, पूरे देश में देख लो एक से बढ़िया सड़क बन गई, आप एक बात बताइए, आप अकेले आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ जितने बेवकूफ है, आप नहीं, आपकी जेब में पैसा आया, केजरीवाल से बढ़िया आदमी मिल ही नहीं सकता, मैंने बोल दिया केजरीवाल, मैं केजरीवाल, हम तो देखते मोदी काम बढ़िया,
केजरीवाल बिजली फ्री करा दी, पानी फ्री करा दिया उसने, हमने वो भाग लिया, भाग लिया, वो बिका हुआ इंसान था वो। क्या कहना चाहते हैं? मैं हम तो ये बात कहना चाह रहे हैं कि पहले कांग्रेस ने पुल मेट्रो वगैरह सब बनवाए, उसके बाद जाकर दूसरा काम हुए है। वो कांग्रेस के बाद कोई काम कर रहा है दिल्ली में तो केजरीवाल साहब, केजरीवाल कर रहे हैं। और मैडम अगर संपूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिले और पुलिस केजरीवाल के अंडर में आए, कांग्रेस इतना अच्छा काम कर रहे तो दिल्ली वालों ने कांग्रेस को क्यों उखाड़ के 25 साल भुगत लिए थे, अब इनको भी भुगत के देखना था। वो देखना चाहते ना, वो भी अच्छे हैं, उनसे भी लीडर काम नहीं हो रहा था ये कांग्रेस में, नीचे सतह पे काम नहीं हो रहा था, जैसा हॉस्पिटल का है, बिजली का है, पानी का है, इसकी वजह से ये काम इसने आगे कराया। आप लोगों का क्या कहना है? बोलो बोलो भाई, क्या बात? बस केजरीवाल काम कर रहे हैं, केजरीवाल को ही वोट देना है। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, दिल्ली म्युनिसिपालिटी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। अब क्या फिर केजरीवाल? हम यहाँ पर आए थे दरियागंज में पता करने के लिए, वो सुन लीजिए, ईवीएम मशीन को छोड़ के अगर बैलेट पेपर पे वोटिंग कराया जाए दिल्ली के अंदर तो गारंटी देते हैं सारी सीटें केजरीवाल जी की। ईवीएम में क्यों लगता है कि गड़बड़ी होता है? वो सब व्हाट्सएप पे दुनिया देख रही है, सब पता लग रहा है, क्या काम हो जाता है उसमें, काम अपने आप से सारे काम होते हैं। आपको भी मालूम है, आपको भी पता है क्या क्या चल रहा है, मगर ये है कि ये पर्दा पड़ा हुआ है इस पे, इसे हटाओ और उससे कराओ, अगर सही है ईमानदारी से कोई भी पार्टी हो उससे कराओ। ईवीएम तो अभी चले सर, बहुत पुराना हो गया, पुराना नहीं, ये अभी भी सारी गड़बड़ घोटाले उसी के चल रहे हैं। देखिएगा 1992 से शुरू है। देखो मैडम, उससे क्या है कि जो मेरे दिल की बात है और मैं अपने दिल की मोहर उसमें लगाई तो वो सही उसी पे पहुंचेगी। ईवीएम का भरोसा नहीं है क्योंकि कहाँ जाएगा अब हम, नहीं कोई भरोसा नहीं है, हटनी चाहिए, पेपर होना चाहिए, ब्लैक पेपर ही होना चाहिए, ये हटनी चाहिए। देखिए आज प्याज 80 रुपए किलो हो गए, टमाटर 80 रुपए हो गए, जो दाल 60 रुपए किलो थी, जो दाल 60 रुपए थी चलेगी वो आज 80 रुपए हो गई, और जो 70 रुपए किलो दाल थी मूंग की धुली वो आज 90 रुपए लिए मैंने, और 120 रुपए लिए मैंने अरहर की, मैंने बताइए कहाँ से आएंगे हम। मैडम 10,000 की महीना कमाने वाले, 10,000 रुपये महीना कमाने वाले हम, अब हमारी 68-70 साल की उम्र होने को आ गई, खत्म हो रहा है ना। ठीक है, इन लोगों का कहते हैं, तमाम लोगों से हम लोग जाने हैं, बातचीत भी करे हैं, और हम दरियागंज में इस वक्त थे और हमें तमाम लोगों से बातचीत जब करने के लिए आए, यहाँ पर केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगने लग गए हैं, और तमाम लोगों की जो इनका जो ओपिनियन है आप तक पहुँचा है। देखना यह है कि दिल्ली का सत्ता किसके हाथ में जाते हैं और कौन बनेगा दिल्ली का CM। नया जगह में जाएंगे, फिर से आप तक पहुंचाएंगे हम कि लोगों का ओपिनियन क्या है, किसको चाहते हैं अगला CM। नया वीडियो के साथ मैं फिर से आऊंगी, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।